पहले भी मैंने कहा है कि राजस्थान में एक युवा क्रांति आपको देखने को मिलेगी। सभापति महोदय, मैं 200 विधानसभा में गया, निर्दलीय विधायक हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरा कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर मैं जवानों को गया तो सभापति महोदय 169 विधानसभा तो ऐसी थी जहां जीवन में पहली बार गया, पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के भीड़ नहीं आती है, ऐसा जन सैलाब उमड़ करके आया था कि बलजीत यादव के मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं। वो बलजीत यादव के लिए नहीं आए थे, वो अपने मुद्दों के लिए आए थे कि कोई हमारे मुद्दों की बात कर रहा है, इसलिए हम समर्थन दिखाते हैं कि सरकार हमारी तब देखे। लेकिन अफसोस की बात, मैं सोचता था इस बजट में भी आएगा। सभापति महोदय 6 दिन तक सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मैं दौड़ा, अपनी जान की बाजी लगा के मैं दौड़ा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करूं। लेकिन अफसोस की बात, सरकार तो छोड़ो, मीडिया के लोग भी इतने मैनेज हो जाते कि एक लाइन तक किसी ने नहीं छापी कि कोई एमएलए 6 दिन दौड़ रहा है, खून की उल्टियां होगी मेरे को, लेकिन एक लाइन का मजाल छाप दे कोई मीडिया का, सभापति महोदय कैसे न्याय होगा? कि ना सरकार सुनेगी ना कोई और सुनेगा। और विपक्ष में भी पिछली बार कितने पेपर आउट हुए, तब भी आप देख सकते हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए मैं कोई एक नहीं एक में सरकार को कह रहा हूं, विपक्ष को कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कोई भी हो, कोई भी सरकार बदले, कोई भी जीत के आए, अच्छी बात है, सब लोग आप जीत के दोबारा आओ, मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं। लेकिन निराश मैं बहुत हूं कि इन यूथ के लिए कुछ कर नहीं पाया। और इसलिए मैंने जो मैं कर सकता था सभापति महोदय, जो मैं कर सकता था कि मैं इसमें सीरियसनेस लाऊं, मेरी मांग में, मुझे किसी ने कहा सूर्य उदय सूर्यास्त क्यों दौड़ रहे हो, 6 दिन तक क्यों दौड़ रहे हो, मैंने कहा मैं इसमें गंभीरता लाना चाहता हूं कि मैं नेतागिरी के लिए मुद्दे नहीं उठा रहा हूं, जब मैं जान की बाजी लगा रहा हूं तो सरकार समझे समस्या गंभीर है और इसको सीरियस ले और इसके ऊपर विचार करे, ऐसा कोई बिल लेके आए। मुझे स्वयं उस वक्त राज्यसभा का चुनाव था, तब भी मैंने रखा था कि भाई ये कानून लाओ ताकि स्थानीय जवान हैं उनके लिए कानून बने और उनकी जो हक है उनका हित है उसकी रक्षा हो सके। लेकिन अफसोस की बात कि वो कुछ नहीं हो पाया, ना किसान के लिए कर पाए, ना मजदूर के लिए कर पाए, ना स्कूल पे लगाम लगा पाए, ना उनकी कोचिंगों की लूट पे लगाम लगा पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सभापति महोदय मैं तो अभी भी कहूंगा, समय अभी भी कई बिल आए, सरकार अगर चाहे तो आगे चाहे 2 दिन बढ़ा करके और ये बिल लेकर के आए जिससे कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा हो। आप बहुत सारी योजनाएं ला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इन यूथ के लिए अगर आप सोच लेते, मुझे नहीं पता किसी ने क्या समझाया क्या नहीं समझाया सरकार को, अगर आप इनके मुद्दों को सोल्व कर देते तो आप ये योजनाएं ना भी लाते ना तो भी प्रचंड बहुमत से सरकार को जिता करके जनता भेजती, वो जवान किसान भेजते, क्योंकि ये जो